चलिए आज मैं अपनी नंद की पूरे घर का होम टूर कराऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। इधर मैं गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले गेस्ट रूम में घुसी हूँ, तो चलिए आप लोग गेस्ट रूम देख लीजिए। यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। ये गेस्ट रूम बहुत ही बड़ा सा है, जहाँ आराम से लोग बैठ सकते हैं। तो गेस्ट रूम आप लोगों ने देख लिया है, तो चलिए अब मैं जो है बेडरूम में आ गई हूँ। ये बेडरूम है, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है, तो चलिए लाइट जला लेते हैं। लाइट जलाने के बाद बिल्कुल सा उजाला हो गया है। इसी तरीके से मैं अपने नंद के घर आई हुई हूँ, तो मैं सोची क्यों ना उनके घर का होम टूर आप लोगों को कराऊँ। तो चलिए बेडरूम से मैं बाहर आ गई हूँ। ये बच्चों का रूम है, मेरी नंद की जो बेटी है उसका ये रूम है। तो अभी फ़िलहाल नंद की जो बेटी है वो बाहर चली गई है स्टडी के लिए। तो जो सेकंड नंबर वाली नंद है, यूँ कहिए जो छोटी वाली नंद है, उनकी बेटी इस रूम में रहती है। वो अपना सामान वगैरह इसी रूम में शिफ्ट कर ली है, तो इसी में ये अपना पढ़ाई वढ़ाई करती है। तो चलिए अब मैं उस रूम से भी बाहर आ गई हूँ। अब मैं आप लोगों को लेकर आ गई हूँ आंगन की ओर। सामने देखिए बाथरूम और लैट्रिन है, इधर बाहर वेशिंग है। अब मैं जो है आपको किचन में ले चल रही हूँ। ये देखिए अब हम लोग जो है किचन में पहुँच गए हैं। यहाँ भी अंधेरा था, मैं लाइट जला ली हूँ ताकि एकदम बढ़िया से सब कुछ दिखे। तो देखिए किचन भी बहुत ही प्यारा सा है, डिज़ाइनर किचन है। इस तरीके से बर्तन वगैरह सेट है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को घर कैसा लगा और होम टूर करके किस तरीके से लगा। यहीं किचन से ही हम लोग बाहर निकल जाएंगे। इधर बाहर का जो ये लोकेशन है, यहाँ पर कपड़े वगैरह डालने के लिए बहुत ही अच्छा है, कपड़े सुखाने के लिए बाहर भी ये लैट्रिन और बाथरूम है। इधर काफ़ी प्लांट्स वगैरह भी लगा है। ये घर के पीछे का एरिया है, घर के पीछे का जो एरिया है बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के टाइम अगर हवा वगैरह चलता है तो बहुत ही मस्त लगता है यहाँ पर। इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक एक चीज़ दिखाती चल रही हूँ, आप लोग देखिए, देख के बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो चलिए अब ये घर तो मैं पूरा आपको घुमा दी हूँ, अब बाहर का लोकेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर ये गैरेज है, गैरेज में गाड़ी खड़ा हुआ है। बाहर जो है काफ़ी प्लांट्स वगैरह लगा के रखी हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और प्लांट्स लगे रहते हैं तो अच्छे भी लगते हैं, काफ़ी हरियाली रहती है। इसीलिए घर के बाहर थोड़ा बहुत जगह ज़रूर बनाना चाहिए, प्लांट्स वगैरह लगाना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया सा प्लांट्स लगा हुआ है। ये गेट से एंट्री करते ही सीधे आएंगे तो इधर जो है एकदम सीधे जाएंगे, गैरेज रहेगा, बकिया जो प्लांट्स वगैरह लगा है, और उधर सामने से तो गेस्ट रूम में एंट्री की थी वो आप लोग देखे ही हैं। तो चलिए बड़ी वाली नंद का घर तो आप लोगों ने देख लिया है, अब मैं मेरी जो छोटी वाली नंद है वो भी, उनका भी घर यहीं पर है, चलिए उनके घर का होम टूर आप लोगों को कराती हूँ। इसीलिए आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में और बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ये उनके घर का बाहर का एरिया है, उनके घर के बाहर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए ये सब प्लांट्स बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ये फूल भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी हरियाली थी। नंद मेरी बता, तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं अपनी नंद के घर का होम टूर करा रही हूँ आप लोगों को। अभी जो आप लोगों ने देखा है वो मेरी बड़ी वाली नंद का घर था, ये छोटी वाली नंद है, पूरा घर उनके घर का होम टूर मैं आपको करा रही हूँ। इधर देखिए कितने अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं, बहुत ही अच्छे काफ़ी सेटिंग से हैं। ये फूल देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए फिर आप मेरी छोटी वाली नंद के घर में चलिए, ये देखिए यहाँ से एंट्री करते हैं।
तो चलिए, गेस्ट रूम से मैं एंट्री करने वाली थी लेकिन अंदर से दरवाज़ा बंद था, इसीलिए मैं इधर आ गई हूँ। इधर जो है दूसरा दरवाज़ा है, उधर से एंट्री कर रही हूँ। आप लोगों को भी ले चल रही हूँ, आप लोग उनके घर का भी होम टूर करिए। तो चलिए, मैं जो है आ गई हूँ। ये बाहर सीढ़ी वाला जो एरिया है वो है, उसी के जस्ट सामने ये बाथरूम लैट्रिन बेसिन का एरिया है। और फिर ये जो है जो रूम आप लोग को अभी मैं घुसूंगी, ये जो है बेडरूम है। छोटी वाली नंद और उनके बेटे का बर्थडे था तो बस इसी रूम में बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। आप लोगों ने बर्थडे वाला ब्लॉग देखा ही होगा, इसी रूम में जो है बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। इनका भी बेडरूम काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए, बेडरूम आप लोगों ने देख लिया है, अब जो है गेस्ट रूम में चलते हैं। यूँ कह लीजिए वो बच्चों का रूम है। इनका बस सिर्फ दो ही रूम है, एक बच्चों का है, एक बेडरूम है। तो ये छोटी वाली नंद के घर का होम टूर मैं आप लोगों को करा रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मैं यहाँ जो है अपनी नंद की बेटे के बर्थडे में आई हुई थी, तो सोची क्यों ना आप लोगों को इनके घर का होम टूर कराया जाए, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब तो होम टूर हो गया, अब चलिए थोड़ा सा बाहर घूमते हैं। बाहर का भी लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। तो अब मैं जो है बाहर आ गई हूँ। अभी अभी मैं बाहर थी, आप लोगों के साथ कुछ वीडियो शेयर की हूँ, फिर से मैं बाहर आ गई हूँ। ये देखिए इनके घर का जो बाहर का एरिया है, प्लांट्स देखिए कितना बढ़िया है। इन प्लांट्स की अभी कल ही जो है छटाई वटाई हुई है, इसीलिए ये और भी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये गुड़हल का पेड़ है। इस गुड़हल के पेड़ में दो कलर का फूल होता है, एक रेड है और एक आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। वो देखिए, ये थोड़ा जो है दूर से ली है, करीब से नहीं ली है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। ये येल्लो और बीच में छोटा सा रेड कलर का है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। एक ही प्लांट्स में दो कलर का फूल खिला हुआ है, काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया सा प्लांट्स था। तो चलिए अब गेट के बाहर चलती हूँ, गेट के बाहर थोड़ा सा घूम लिया जाए। गेट के बाहर आ गई हूँ। बाहर कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही गली गली है, बाकी घर के बाहर का ये लोकेशन है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से मैं अपने नंद के घर का होम टूर आप लोगों को करा दी हूँ। तो चलिए, होम टूर तो हो गया है, टाइम भी शाम का टाइमिंग था, समय बहुत हो गया था, तो बच्चों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह बनाने लगे हम लोग। काफ़ी देर से बच्चे जो है खेल कूद रहे थे, खाना सुबह का ही सब खाए थे, उन सबको भूख लग गया था। इधर मैं जो है वीडियो बनाने में लगी हुई थी, अपनी नंद का होम टूर आप लोगों को करा रही थी। फिर मेरी नंद बोली, भाभी अब चलिए बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बनाया जाए। सारी तैयारी वो कर ली थी, ये वेटर वही बनाई थी। इसमें जो है सूजी, बेसन, शिमला मिर्च, प्याज, हरा मिर्चा, जो है चाट मसाला, नमक, इन सब को डाल के बढ़िया सा घोल बनाई है। उसके बाद बस तवे पर इस तरीके से चिल्ला, यूँ कह लीजिए सूजी का उल्टा बनाया जा रहा है हम लोग, क्योंकि ये थोड़ा चटपटा रहता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो बस मैं वीडियो बनाते बनाते किचन में आई तो देखी मेरी नंद बना रही थी, तो मैं भी उनके साथ लग गई हूँ। इस वेटर को तावे पे तेल डाली हूँ थोड़ा सा, जब गर्म हो गया है तो बस एक कलछुल डाल के इसे फैलाई हूँ। बड़े ही आराम से ये पलट जाता है और काफ़ी बढ़िया भी बनता है। इसमें तेल भी कम रहता है, सही रहता है, नुकसान भी थोड़ा कम करता है, इसीलिए ये चिल्ला हम लोग बनाए हैं ताकि बच्चे अच्छे से खा लें। ये देखिए कितने आराम से ये पलट गया है। अभी पहला ही चिल्ला हम लोग तवे पे डाले हैं, पहला ही मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। वो भी कितने आराम से और कितना बढ़िया से पलट जा रहा है। बस उलट पलट के दोनों तरफ बढ़िया सा सेक लेंगे, उसके बाद प्लेट में डालूंगी, सॉस डालूंगी और बच्चों को दूंगी खाने के लिए।
तो अब तो चिल्ला दोनों तरफ से सिक गया है, उलट पलट के सेक लिए हैं तेल को, जरा जरा हम लोग डाले हैं, दोनों पलट जाता है, बेसन वाला भी, बेसन वाला तो और आराम से पलटता है। देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है, करो उसको हटाओ, दूसरा डाल। चलिए अब मैं इसे प्लेट पे डाल ले रही हूँ, इस प्लेट में रखी हूँ। इसमें ये जो है सॉस आप लोग देख रहे हैं, ये सरसों का सॉस है, बच्चों को दे दी हूँ, बच्चे सारे खा रहे हैं, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। इधर हम लोगों का फास्ट था, ये ब्लॉग मेरा मंडे वाले दिन का है, तो फिर मैं जो है अपने लोगों के लिए ये आलू का पकौड़ी बनाना था, उसी को बारीक बारीक काट रही हूँ। वहाँ किचन में काफ़ी गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं गेस्ट रूम में आ गई हूँ। यहाँ मैं आराम से बिल्कुल निश्चिंत होकर आलू को काट रही हूँ। तो मेरा तो ब्लॉग यहीं तक है, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों फिर मैं अगले ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं जो है एक नए ब्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी, आप लोग मुझे बताइए मैं किस तरीके का ब्लॉग आप लोगों के लिए लाऊं। चलिए बाय बाय।